हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट. सो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट को लेके आप में से बहुत से जन है जो बहुत ही पैनिक हो रहे हैं, जिनको अभी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना है. और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि हम ये कैसे प्रिपेयर करेंगे, इतना कम टाइम है हमारे पास, एंड बहुत से सवाल है कि क्या ये सी एस फाउंडेशन के लिए है, और भी बहुत ज़्यादा सवाल है आपको. सो ये वीडियो में मैंने आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा ही मैसेजेस किए थे व्हाट्सएप पे. तो मैं आपके जो भी सवाल है इस वीडियो में मैं पूरा आपके जो भी क्वेश्चन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाली हूँ. और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना या फिर से मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे. एंड सो आई होप आपका आज ये वीडियो जो है आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर कर ले. और मैं कहूँगी कि पैनिक मत हो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से क्लियर कर सकते हो. ये बहुत ही इजी होगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. सो चलो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं. सो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए अब हम अपना डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले जो है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सवाल है कि ये जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है वो इंस्टीट्यूट ने आखिर इंट्रोड्यूस किया क्यों. सो अब मैं तो आईसीएसआई हूँ नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट ने ये जो टेस्ट है, आपका जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है, वो क्यों इंट्रोड्यूस किया है. बट जहाँ तक मैं आपको बता सकती हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये इंस्टीट्यूट ने इसके लिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है हमें अच्छे से जानता है हम सब स्टूडेंट्स को. क्योंकि हमारी जो है ना ये मैं कहूँगी हम हर बार ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम्स के एक महीने पहले या दो महीने पहले या तीन महीने पहले हम जाग जाते हैं और फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं. और बहुत बार हमारी प्रिपरेशन नहीं होती है तो फिर भी हम पेपर देने चले जाते हैं और आधे जन जो है पेपर नहीं देते हैं. जो पेपर नहीं देते हैं वो बच जाते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना फिर से स्टार्ट करते हैं. और जो अटेम्प्ट करते हैं और अगर लक अच्छी नहीं होती है तो फेल हो जाते हैं. और उसकी वजह से जो है हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जो है कम आ रहा है इसके वजह से. सो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने जो है ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो है हम जो है हमें एक इंडिकेशन देने के लिए कि पहले से ही जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि एंड में जो है प्रॉब्लम नहीं हो. क्योंकि हमेशा जो है हम जब एंड में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो तभी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, पैनिक होते हैं कि अब क्या करें, टेंशन में होते हैं. और फिर जो है और एक पेपर अच्छा नहीं जाता है तो उसके बाद सारे पेपर्स जो है हमारे ख़राब जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो इसके वजह से इंस्टीट्यूट ने ये टेस्ट निकाला है ताकि हम जो है पहले से ही ये पढ़ना अपना स्टार्ट कर दें. और उसके बाद जो है आपका जो है ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है, मैं कहूँगी आपका जो है ये क्वालिफाइंग टेस्ट है. अगर ये टेस्ट में आप पास नहीं हुए तो आप जो है सी एस एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम में दिसंबर 2018 एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो. सो ये टेस्ट पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और ये टेस्ट सबसे पहला सवाल जो मुझे आया था कि क्या ये टेस्ट सी एस फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं कहूँगी नहीं, ये टेस्ट जो है सी एस फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. ये सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यू सिलेबस में रजिस्टर्ड है, एंड यानी कि न्यू सिलेबस 2017, एंड उसके बाद जो है फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी है. अभी तक फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए जो है इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन नहीं दिया है. एंड फिलहाल अभी तक जो है एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को जो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना है. एंड अब जो है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो है मुझसे ये सवाल भी पूछा आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने कि ये जो टेस्ट है इसका डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट. तो मैं कहूँगी इसका कोई भी फिक्स डेट नहीं है. आप आज भी ये टेस्ट को के लिए रजिस्टर कर सकते हो और आज से ही आप टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो. वेबसाइट का लिंक दे दिया है तो आप आज ही रजिस्टर कर दो और पेमेंट कर दो तो आप जो है आज से ही एक बार आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप जो है आज से ही टेस्ट दे सकते हो. और उसके बाद जो है ये टेस्ट का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 40%, यानी कि 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट. ऐसा नहीं कि हमारे जो है 8 सब्जेक्ट्स है सी एस एग्जीक्यूटिव में
तो 8 सब्जेक्ट्स मिला के हमें 40%, यानी कि ऐसा नहीं समझो, यानी कि एक सब्जेक्ट में 20 मार्क आई, दूसरे में 30 मार्क आई, और फोर्थ में 40 मार्क्स आई, और फिफ्थ में सपोज 30 मार्क्स आई, ऐसे करके सब सब्जेक्ट्स को मिला के 40%, नहीं, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको जो है 40% होनी चाहिए। अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो है 40 मार्क्स नहीं है, तो आप जो है ये जो किसी भी एक सब्जेक्ट में भी अगर आपको 40% मार्क्स नहीं है, तो आप जो है सी एस एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप ये टेस्ट में ही फेल हो जाओगे। तो आपको जो है पूरे सब्जेक्ट्स में जो है 40% मार्क्स लाना ही है, और उसके बाद जो है एग्रीग्रिएट का, यानी कि एग्रीग्रिएट जो आपको होता है वो जो है इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नोटिफाई नहीं किया है। जैसे कि ओल्ड सिलेबस आपको जो है ग्रुप क्लियर करने के लिए आपका सी एस एग्जीक्यूटिव में ओल्ड सिलेबस के लिए जैसे कि था कि 40% आप 40 मार्क्स आपको जो चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, बट अगर ग्रुप क्लियर करना है तो 50% होना चाहिए। तो ऐसा एग्रीग्रिएट का कोई भी अभी तक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई नहीं किया है, इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, बट फिलहाल जो है आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो है आपको 40% मार्क्स 40% चाहिए, ओके। एंड उसके बाद जो है इसका फीस कितना है, सो इसका फीस जो है वो है 1000। और उसके बाद जो है ये टेस्ट होगा कैसे, तो ये जो टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आप अपने पीसी से या लैपटॉप से दे सकते हो। और ये अब उसके बाद आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी मुझसे पूछा कि ये टेस्ट जो है हम कहाँ दे सकते हैं, कि इंस्टीट्यूट के किसी प्लेस पे, कोई लोकेशन पे, जैसे कि फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं सेंटर पे, वैसा। तो मैं कहूँगी इंस्टीट्यूट ने जो है अपने वेबसाइट पे जो है पीडीएफ अपलोड कर दिया है, और उसी में ही उसमें ही मेंशन्ड है कि आप जो है ये जो टेस्ट है वो आप अपने घर से दे सकते हो, या किसी भी साइबर कैफे से दे सकते हो, और या किसी भी लोकेशन से जो इंस्टीट्यूट लोकेशन नोटिफाई करेगा आपके सिटी के लिए, आप वैसे ही टेस्ट दे सकते हो। और उसके बाद जो है ये जो टेस्ट है पूरा 100% आपका सिलेबस कंप्लीट करेगा, ऐसा नहीं है कि 50% सिलेबस आएगा या 60%, नहीं, आपका जो है ये 100% सिलेबस कंप्लीट करने वाला है, ये टेस्ट में 100% आने वाला है। कोई भी ऐसा नहीं है आधे चैप्टर्स आएंगे, नहीं, पूरे बुक में से कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। एंड उसके बाद जो है ये जो टेस्ट होगा वो होगा 60 मिनट्स का टेस्ट है ये, एंड उसके बाद जो है 60 मिनट्स का ये टेस्ट है, और ये जो टेस्ट है सब्जेक्टिव नहीं है, एमसीक्यूज़ बेस्ड है। जैसे आप में से बहुत फाउंडेशन स्टूडेंट जो होंगे, उन्होंने आपने फाउंडेशन ऑब्वियसली क्लियर किया होगा, तो आपने फाउंडेशन में कैसे एमसीक्यूज़ टिक किए थे, तो वैसे ये एमसीक्यूज़ बेस्ड है। और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ घर पे टेस्ट देना है और एमसीक्यूज है, तो हम जो है कॉपी कर सकते हैं, कि हम जो है बाजू में अपने दोस्त को बिठा लेंगे और कह देंगे कि चल ये बता, बुक खोल के ये बता, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। तो मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स आपको जो है 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स में कॉपी मार मार के भी कितना कॉपी मारोगे, ठीक है। तो ये बात मेरी ध्यान पे देना कि 60 मिनट्स का टेस्ट है, और उसमें जो है आपको 50 MCQs आने वाले हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो कॉपी आप कितना मार सकते हो आप, वो मुझे तो नहीं मालूम, बट मैं आपको कहूँगी कि कॉपी नहीं मार पाओगे 60 मिनट्स में, क्या बुक पूरा आप बुक में से कॉपी मार पाओगे। सो कॉपी करना इतना आसान नहीं है मैं कहूँगी। और अब जो है आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो मैं कहूँगी हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर रॉन्ग आंसर दिया तो आपका जो है 0.25 मार्क्स कट जाएगा, और अगर राइट आंसर दिया तो 2 मार्क्स बोनस, सो यानी कि 2 मार्क्स आपका जो है मिल जाएगा, और रॉन्ग आंसर दिया तो आपका जो है 1 मार्क्स जो है आप 0.25 जो आपके राइट आंसर्स होंगे उसमें से मार्क्स वो कट जाएंगी। और उसके बाद जो अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी कहा कि ये टेस्ट तो हम दे देंगे, अगर ये फेल हो गए तो अगर इस टेस्ट में फेल हो गए तो इसमें जो है मैं आपको कहूँगी कि आप नेक्स्ट डे फिर से टेस्ट दे सकते हो। तब कब तक आप ये टेस्ट दे सकते हो, ये टेस्ट जो है आप 25 सितंबर तक दे सकते हो, ठीक है। तो अगर सपोज आपने आज टेस्ट दिया और आज फेल हो गए तो कोई बात नहीं,
अब जो है कल आप वो टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और ऐसा करते करते आप 25 सितंबर तक आपको कैसे भी करके क्लियर करना है टेस्ट, क्योंकि अगर आपने ये टेस्ट क्लियर नहीं किया तो एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हो। तो ट्राई करो कि सब आप ऐसा समझो कि हमारे पास सिर्फ 24 सितंबर है, और 24 सितंबर तक जो है हमें कैसे भी करके ये टेस्ट क्लियर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है फीस के लिए मुझसे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि ये अगर आज फेल हो गए, हम जो है आज फेल हो गए और हमने जो है 1000 पे किया है, तो अब जो है क्या कल हम टेस्ट देंगे तो फिर से 1000 पे करना पड़ेगा? तो मैं कहूँगी नहीं, ये जो है 1000 जो है आपका लाइफ टाइम का अमाउंट है। आप जो है आपको 1000 एक बार पे कर दिया तो आप जो है अनलिमिटेड टाइम्स जो है ये टेस्ट दे सकते हो, रोज रोज आपको 1000 पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई आप ये पॉइंट आपको क्लियर है। एंड उसके बाद जो है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि हमने तो प्रिपेयर किया ही नहीं है, हमने जो है अभी अभी हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई है, और बहुत से स्टूडेंट्स की अभी कोचिंग स्टार्ट होने वाली है या कोचिंग चल रही है, तो हमने जो है प्रिपेयर किया नहीं है, तो ये टेस्ट में हमें नहीं लगता है हम क्लियर हो पाएंगे। तो मैं कहूँगी कि आपको जो है अगर ऐसा लगता है कि आप टेस्ट ये क्लियर नहीं कर पाओगे तो ये भूल जाओ, क्योंकि ये टेस्ट क्लियर करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपका जो 70% जो पेपर होगा वो बहुत ही ईजी होगा, मॉडरेट होगा। 30% जो पेपर होगा वो टफ होगा, ठीक है। सो अगर आप जो है टेस्टेस, मैं कहूँगी रोज़ दो ना टेस्टेस। किसने कहा है कि रोज़ सब सब्जेक्ट्स की टेस्ट दो, एक एक सब्जेक्ट की टेस्ट दो, क्योंकि आप जो है ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट आपको एक ही दिन में देनी है, ऐसा नहीं है। आप एक एक करके भी टेस्ट दे सकते हो। मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी आपको कि एक सब्जेक्ट की ऐसे ही टेस्ट दे के देखो, क्या पता पास हो जाओ, एंड यानी कि एक हिडन ट्रायल दे के देखो। नहीं पास होते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल भी तो आप टेस्ट दे ही सकते हो ना। ऐसा आप एक बार करके देखो। और अब जो है यानी कि मैं कहूँगी कि हाँ एम सी क्यूज गेम खेल के देखो, ठीक है। एंड बट ऐसा नहीं है कि एम सी क्यूज गेम खेलने के चक्कर में कि आप आज टेस्ट दे रहे हो कल टेस्ट दे रहे हो कि आप जो है पास मतलब होना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कि ये जो है हिडन ट्रायल दे के देखो, बट ऐसा ये जो है टेस्ट 1 वीक जो है ट्राई करो, क्लियर नहीं होते हो ठीक है, बट नेक्स्ट वीक से जो है मैं कहूँगी सीरियस हो जाओ, सीरियसली ये टेस्ट देना, और ये टेस्ट जो है इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पैनिक मत हो कि ये जो टेस्ट है हम जो इतने निकम्मे हैं, हमारा ये जो टेस्ट है 25 सितंबर तक भी जो है क्लियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप क्लियर कर सकते हो, और टुक्के मारो मैं कहूँगी कि जय माता दी, टिक कर दो, पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टीट्यूट जो है ये पहली बार आपका ये जो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो इतना टफ नहीं रखेगा ये टेस्ट। एंड इससे जो है आपका फायदा ही होगा, क्योंकि आपको जो है आपका प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो दिसंबर के लिए एक ग्रुप देने वाला है और जून 2019 में दूसरा ग्रुप देने वाला है, तो अब जो है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि अगर हमने ये जो टेस्ट दे दिया तो अगर हम सपोज फेल हो गए, ठीक है, ये प्री एग्जाम टेस्ट जो है हमने दे दिया था, दोनों ग्रुप का दे दिया हमने, ठीक है, मतलब 8 सब्जेक्ट्स का हमने टेस्ट दे दिया, हम इस प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में जो है क्लियर हो गए, लेकिन दिसंबर 2018 एग्जाम में जो है अगर हम फेल हो जाते हैं तो अब जो है हमें जून 2019 एग्जाम के लिए अपेयर करना पड़ेगा, तो क्या ये टेस्ट फिर से देनी होगी? तो मैं कहूँगी नहीं, एक बार जो है आपने ये टेस्ट क्लियर कर ली, मतलब ये आपका गेटवे है कि अब आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। अब जो है आप कोई भी एग्जाम यानी कि जून एग्जाम या दिसंबर एग्जाम में आप बैठ सकते हो, बट ये क्लियर करना है, क्लियर नहीं करोगे तो एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने वेट अ मिनट, सो उसमें से आप में से बहुत से उसके बाद जो है आप में से एक ने ये सवाल पूछा है कि अगर हम जो है ये टेस्ट जो है 25 सितंबर तक भी जो है अगर हम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो मैं कहूँगी 25 सितंबर तो अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो
तो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, बट ऐसा हो सकता है कि इसकी डेट जो है ना एक्सटेंड हो सकती है। आप फिर से 25 सितंबर के बाद टेस्ट दे सकते हो। सो वो टेस्ट के लिए आपको जो है 250 रुपीज़ आपको जो है फ़ीस देनी पड़ेगी, लेट फी। एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम पे कैसे आप अगर 25 सितंबर तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो उसके बाद जो आपको लेट फी देनी पड़ती थी 250, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। बट ये जो है इंस्टीट्यूट ऐसे एक्सटेंड कर सकता है कब तक, 10th अक्टूबर तक, ठीक है, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम फॉर्म जो है दिसंबर का 10th अक्टूबर तक फिल कर सकते हो, उसके बाद नहीं। बट प्री एग्जामिनेशन के टेस्ट के लिए क्या पता इंस्टीट्यूट से आगे भी एक्सटेंड कर सकता है 10th अक्टूबर के आगे भी, बट अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो मैं कहूँगी समझ के चलो कि कैसे भी करके 24 सितंबर तक जो है ये टेस्ट क्लियर करना है। एंड उसके बाद जो है आप में से एक ने ये सवाल पूछा है कि अगर हम जो है ये टेस्ट जो है रोज़ रोज़ जो टेस्ट पेपर्स होंगे वो क्या सेम आएंगे। सो मैं कहूँगी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, रोज़ रोज़ जो है आपको इंस्टीट्यूट इतना स्मार्ट है इंस्टीट्यूट हमारा, आपको जो है रोज़ रोज़ सेम पेपर नहीं देगा ऐसा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को मालूम है कि आप सब जो स्टूडेंट्स हो वो बहुत स्मार्ट हो। अगर सेम पेपर देगा तो फिर अगर आप आज पे क्या करोगे, आप अपने लैपटॉप में उसका जो है स्नैप क्लिक करके रखोगे और नेक्स्ट डे क्या है वो स्नैप देख के ये क्वेश्चन है आप तो देख के रखोगे आंसर, फिर नेक्स्ट डे वही टिक कर दोगे। तो रोज़ जो है सेम आंसर्स आने वाले नहीं है, तो कॉपी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। और उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि दोस्त को बाजू में बिठा के या मम्मी को बाजू में बिठा के या डैडी को बाजू में बिठा के बुक खोल के हम कॉपी करेंगे, तो मैं कहूँगी 60 मिनट्स है यार, 60 मिनट्स में कितना कॉपी कर सकते हो बुक खोल के, क्योंकि 100% सिलेबस है। अब कहाँ से क्या, कौन से पेज से क्या क्वेश्चन आया है, पूरे पेज में ढूंढने में ही 60 मिनट्स चले जाएंगे। तो अच्छे से टेस्ट दो, प्रिपेयर करके दो, थोड़ा प्रिपेयर करके दो। अब तक जो है कोचिंग अगर ज्वाइन कर ली है मार्च से तो 30% तो कंप्लीट कर लिया होगा, 40%, या अगर सेल्फ स्टडी भी कर लिया तो एटलीस्ट 20-25% थोड़ा तो कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो टुक के मारो, क्योंकि टेस्ट तो क्लियर करना ही है, तभी तो दिसंबर एग्ज़ाम दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। एंड उसके बाद जो है आपने से एक ने ये स्टूडेंट सवाल पूछा कि अगर ये टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं बट अगर हम अपनी मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो यानी कि अगर ये टेस्ट में हमें अगर 50% आती है लेकिन हम जो है 50% से सेटिस्फाई नहीं है, तो हम फिर से टेस्ट दे सकते हैं क्या। सो मैं कहूँगी फिर से टेस्ट जो है अब देकर भी मैं कहूँगी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है इसमें आप 80% लाओ टेस्ट में या 90% लाओ, इसका जो है इफ़ेक्ट जो है आपके मेन एग्ज़ाम जो आपके दिसंबर में होंगे उस पर तो कुछ होने वाला है नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि अपने प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में जो है आपने 90% लाई तो अब जो है वो सब्जेक्ट में आपको पास कर देंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव में अगर सपोज किसी सब्जेक्ट में आपको जो है 90 मार्क्स आई, ठीक है, और अब जो है आप सीएस एग्जीक्यूटिव में फेल हो गए, तो इस मार्क्स का जो है उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या ऐसे करेंगे कि नहीं इसमें इसको 90 मार्क्स चाहिए तो ऐड ऑन करके इसको पास कर देते हैं, ठीक है, कि इसमें पास तो सी एस प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में पास तो सी एस एग्जीक्यूटिव में जो उसमें भी पास जो सब्जेक्ट में, यानी कि आपको जो है फेल हो, ऐसा नहीं होने वाला है। सी एस एग्जीक्यूटिव जो मेन एग्जाम होंगे इस प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के मार्क्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये सिर्फ जो है इंस्टीट्यूट टेस्ट कर रहा है कि आपका जो है प्रिपरेशन लेवल कितना है, आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं एग्ज़ाम के लिए। सो इसका जो है आप इसमें 60% लाओ 80% लाओ, मेन एग्ज़ाम में इसका कोई यूज़ नहीं होगा मार्क्स का, सिर्फ ये मार्क्स आपको जो है हेल्प करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में, वरना आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें 90% भी लाओगे कोई बड़ी बात नहीं है, मेन एग्ज़ाम जो है उस पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। एंड मैं तो कहूँगी एक बार जो सी एस फाउंडेशन एग्ज़ाम्स है ये अब जो है आपका जो है बहुत जल्दी सी एस फाउंडेशन स्टूडेंट्स का जो है अगस्त के फर्स्ट वीक तक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ने अभी तक कुछ भी नोटिफाई नहीं किया है, तो मैं कहूँगी जैसे ही आपके सी एस फाउंडेशन के रिजल्ट आ जाए स्टार्टिंग से डे वन से ही रजिस्टर करने के बाद जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका भी जो है टेस्ट होगा 6 मंथ्स के बाद, यानी कि मार्च में टेस्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे कि जिन बच्चों ने जो है सी एस फाउंडेशन का रिजल्ट जो फेब में आया था मार्च तक रजिस्टर हो गए थे,
तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अब जो है आपको जो है इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन दे दिया और 6 मंथ्स में कि आपको जो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना है। तो वैसे ही जब आपका जो है सीएस फाउंडेशन जो आप क्लियर करोगे उसके बाद एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करोगे तो उसके बाद जो है हो सकता है कि आपकी ये जो टेस्ट है मार्च में हो। तो इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो है स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो और 6 मंथ्स में आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेट होके मत पढ़ना, स्टार्टिंग से अभी से ही प्रिपेयर कर लो ताकि जो है आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो मार्च में हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है 6 मंथ्स एक्सपेक्ट करके चलो। सो अभी तक तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, मैं ये सिर्फ एज्यूम करके आपको बता रही हूँ। तो अब जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा सीएस फाउंडेशन का बहुत जल्द। सो उसके बाद आप जब एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर करोगे तो डे वन से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना ताकि आपको जो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी है, ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। सो एक शॉर्ट में बता देती हूँ, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आप घर से दे सकते हो, किसी भी लोकेशन से दे सकते हो। देन उसके बाद आपका जो है ये फीस जो है इसमें 1000 है, लाइफ टाइम फीस है ये। आप इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप दे सकते हो। एंड उसके बाद जो है MCQs बेस्ड टेस्ट है और क्वालिफाइंग मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए आपको जो है 40% है। एंड इसमें जो है MCQs होंगे 50 MCQs ऑफ 2 मार्क्स ईच। सो आई होप आपके जो भी डाउट्स थे मैंने क्लियर कर लिए, आपके सारे सवालों के जवाब जो है आपको मिल गए होंगे। एंड उसके बाद भी अगर डाउट्स है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या चैनल यूट्यूब के चैनल पर आप कमेंट कर देना। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, अगर डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। और डरो मत यार कॉन्टैक्ट करने में, और अगर इलॉजिकल सवाल भी पूछोगे तो भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत सोचो कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं हर बार ऐसे बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि बिल्कुल मत डरो, डाउट्स जो भी है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। और मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि आप मुझे मैसेज कर रहे हो तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं है। उल्टा मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे मैसेज करते हो, जब आप कमेंट करते हो और डाउट्स पूछते हो। तो ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन इलॉजिकल सवाल भी पूछोगे तो भी मैं जवाब दे दूँगी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और वीडियो को जो है शेयर करना मत भूलना। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट बिलो और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।